मोइन, इंटेंट नजर आ रही थी वाजे तौर पे सारे अफगानिस्तान के बल्लेबाजों से जो बैटिंग उनकी करने के लिए आए हुए थे, एंड दे शोड साइंस ऑफ ए वर्ल्ड क्लास टीम टुडे. दे बेसिकली शोड टू द वर्ल्ड दैट दे डिजर्व टू बी इन दिस टूर्नामेंट एंड दे लुक लाइक देयर हेयर टू एक्चुअली मेक सम डेंट्स. बिल्कुल फखर, सबसे पहले तो मैं भी मुबारकबाद देना चाहूँगा. बहुत बड़ा मैच जीता है अफगानिस्तान इंग्लैंड से. यू नो, आई थिंक पॉजिटिव इंटेंट के साथ देखें, लक भी आपको फेवर करने लगती है. मैं समझता हूँ कि जिस तरह ऊपर की पार्टनरशिप दी थी, जो स्टार्टिंग दी और मिडल ऑर्डर ने, वो रिस्पॉन्ड नहीं दिया, लेकिन एट द एंड उन्होंने मैनेज किया उसको टू कन्वर्ट एक रीजनेबल टोटल, यू नो, पोस्ट किया उन्होंने. मुझे ये लगता है यहाँ पे, मैं टॉस की बात करूँगा, यहाँ पे इंग्लैंड से मुझे लगता है ऐसी की बहुत बड़ी गलती हुई है, बिकॉज कि उन्होंने श्रीलंका वाला शायद मैच देखा था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, कि चेजिंग बहुत ईजी है यहाँ पर. उस मैच में ये गौर नहीं किया गया शायद, मैं मेरा ख्याल है कि वहाँ पर साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने बिल्कुल जगह पर बॉलिंग नहीं की थी. और आज इंग्लैंड ने भी जब स्टार्ट की अपनी बॉलिंग, तो हमने देखा जिस तरह उनको मारा है गुरबाज ने, यू नो, बॉलिंग अब सही जगह पे बॉल पिच नहीं कर रहे थे. एक गलती और जो वसीम भाई ने भी अभी आइडेंटिफाई की है, टीम सिलेक्शन भी गलत की है. जिस तरह गेंद टर्न हुआ है लेटर ऑन, या पहली इनिंग में भी आदिल ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, एंड देन अफगानी तमाम स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की. यहाँ पर मुझे लगता है कि मोइन अली को खिलाना चाहिए था, एक वो फैक्टर था जो मिसिंग था इनके उसमें. तो मेरा ख्याल है कि कॉम्बिनेशन नहीं बन सका. और थोड़ा सा जो आपने इंटेंट की बात करी, देवर पॉजिटिव एंड देवर ऑन द लिटिल बिट ऑफ नेगेटिव साइड इंग्लैंड, दैट्स वाई लक कहीं भी उनकी फेवर में नहीं आई फिर. ये वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो वसीम ने बिल्कुल रेज किया और आप भी रेज कर रहे हैं कि सिलेक्शन में प्रॉब्लम होगी, दे शुड हैव हैड अनदर स्पिनर, बट आई थिंक दे रेड मिस रेड, जैसे वसीम कह रहे हैं, एवरीबॉडी मिस रेड द पिच हियर. सो आई थिंक दैट्स द कॉज ऑफ दैट होल थिंग. बट लेट मी क्विकली ब्रिंग दिस टू यू शोएब. वो हम मार्कवुड का सोच रहे थे कि जी मार्कवुड आएगा तो उनको बिल्कुल डांस कराएगा और उनको एयरबॉर्न कराएगा, तो आज तो अफगानियों ने कहा कि भाई मार्कवुड होंगे आप, लेकिन हम भी खेलने आए. देखिए, मार्कवुड जो हैं, पेस अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है, हाँ, तो वो पेस की जो रूम है वो नहीं होना चाहिए. अगर आपके पास पेस है तो वो पेस टूवर्ड्स फेस जानी चाहिए, टूवर्ड्स चेस्ट जानी चाहिए. हमने देखा गुरबाज ने एक अपर कट पे एक छिक्का मारा उनको, तो वो आउटसाइड ऑफ स्टम्प था. तो अच्छे बैटर्स जो हैं वो आपको, अगर बाउंसर मुंह पे नहीं आएगा, आप जितना मर्जी तेज़ करवा लें, तो वो आपको रन ही बनेंगे. तो पेस आपके पास होना अच्छी चीज़ है, बट वो पेस का राइट जगह पे फिनिश होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक ये चीज़. और दूसरी चीज़ ये है कि आज दिल्ली की जो स्टैट्स पहले वाले थे, लेट पिच से पहले 750 रन जी, वो आज वो पिच नहीं थी. इसीलिए आप देखें कि 13 विकेट्स हैव टेकन बाय द स्पिनर्स फ्रॉम बोथ साइड्स. और अगर इसमें आप देखें तो 18 विकेट्स लॉस्ट बाय इंग्लैंड वर्सेस स्पिन इन दिस वर्ल्ड कप. तो आज बॉल थोड़ा सा घूमा और हमने देखा कि उनके बैटर्स ने स्ट्रगल की, इंग्लैंड के जो प्लेयर्स थे, और यही वजह हुई. और मिसबाह भाई ने भी हमेशा बोला है कि बांग्लादेश के स्पिनर्स तब अच्छे होंगे जब बॉल थोड़ी घूमेगी. आज घूमी और उन्होंने फ़र्क डाला. सिर्फ उन्होंने आज क्या किया, रन्स बनाए 284. दो थोड़ा सा बॉल घूमा. ये 284 ऐसी पिच पे किसी भी बड़ी टीम के अगेंस्ट बनेंगे. अगर अफगानिस्तान बनाएगा तो वो इन स्पिनिंग अटैक के साथ वो किसी टीम को भी तंग करेंगे. एब्सोल्यूट तंग क्या करेगा, हराएगा. तो आज तो हरा के उन्होंने दिखा दिया.